अजमेर शाखा से एक नई शाखा निकलती है, वो है रणथंभौर शाखा। कौन सी शाखा? रणथंभौर। अब पृथ्वीराज चौहान के जो भाई हैं उनका नाम हरिराज, और पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र है उनका नाम गोविंद राज है। और आपको पता हो कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया, जो राजस्थान में तुर्क सत्ता कायम करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, बाद में अजमेर वाला प्रशासक है प्रबंधक कार्य सौंप दिया गोविंद राज को, पर गोविंद राज को उसके चाचा हरिराज वहां से निकाल देता है, और फिर वो वापिस कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाता है कि साहब वो तुम्हारे चाचा को उस लियो। एक बाद स्वयं गोविंद राज को कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर परगना जागीर में दिया, और रणथंभौर का वहां पे वो शासक बन गया। वहीं पर 1194 ईस्वी को रणथंभौर के अंदर चौहान शाखा की नींव रखता है गोविंद राज। तो चौहान रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंद राज। कौन है? गोविंद राज। एक तो ये प्रश्न याद रखेंगे कि चौहान वंश का, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक यहां पे गोविंद राज 1194। अब आपको यह भी पता होगा कि दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने वाला भी गोविंद राज, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट जो इनके कालक्रम में जो राजा आते हैं वो गोविंद राज के बाद वालन, वालन के बाद प्रहलादन, या प्रहलादन के बाद वीर नारायण, और वीर नारायण के बाद बागभट, और जयत्र सिंह, और अमीर देव। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, पर प्रहलादन वीर नारायण से एक प्रश्न आता है। किससे? वीर नारायण। वीर नारायण पर जो आक्रमण करता है 1226 ईस्वी को, और दिल्ली का शासक कौन था उस समय? इल्तुतमिश। और रणथंभौर को किसने जीता था? इल्तुतमिश। तो दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने रणथंभौर को पहली बार जीता था। इसके बाद कौन आता है? बागभट। कौन है? बागभट। बागभट की बात सुने, इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो जाती, और 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो दिल्ली की शासिका बनी वो थी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान वहां की शासिका बनती है। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी को ही, 1236 ईस्वी को बागभट पर कुतुबुद्दीन हसन के नेतृत्व में आक्रमण करती है, परंतु रजिया सुल्तान का सेनापति कुतुबुद्दीन हसन इसमें असफल रहा और अपनी सेना वापिस हटा ली। आप अच्छे से जानते हो कि रजिया सुल्तान का जो मूल नाम था वो क्या था? जलाल उद्दीन रजिया। और इनके पिता का नाम इल्तुतमिश है, पति का नाम अल्तुनिया है, और इनका प्रेमी जलालुद्दीन याकूत जो अभी सुनिया से रहने वाले थे। और इनकी मृत्यु कैथल है हरियाणा में, कैथल हरियाणा के जाटो समाज ने इसे रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। इल्तुतमिश के बारे में भी आप जानते हो कि 1210 से लेकर 1236 शासक बना। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में खरीदा। कहाँ खरीदा था? दिल्ली में। अब गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस इल्तुतमिश को दिल्ली बाजार में खरीदा। अब ये भी शासक बना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? गुलामों का गुलाम। उपाधि क्या थी? उपाधि सुल्तान, और उपमा गुलामों का गुलाम, क्योंकि गुलामों का गुलाम, गुलाम कौन था वहां पे? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए क्या कहा जाए? इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। उपाधि इनकी सुल्तान। मध्यकाल में सतलत काल के शासकों में जो उपाधि धारण करने वाला सुल्तान, उपाधि धारण किसने की थी? इल्तुतमिश। ये सारे क्या कहलाए? सुल्तान। इसके बाद इस इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए उनको तो कहा टक्का, और तांबे के सिक्के चलाए उनको कहा जीतल। और इन चांदी के सिक्के, जो चांदी के टक्का था और तांबे के जीतल थे, इन पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी शुरू कर दी। भाई किस टकसाल में ये सिक्का डाला गया है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जयत्र सिंह। जयत्र सिंह के समय नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन के नेतृत्व में 3 बार आक्रमण किया। कितनी बार है? 3 बार। किसके? नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन के नेतृत्व में रणथंभौर पर 3 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 3 बार। अब विशेष बात ये याद रखनी है कि बलवन का मूल नाम उलगू खां था,
वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, पर सुल्तान जब बने तो किस नाम से बने थे? बलवन के नाम से बने। अब बलवन के बारे में आप जानते हो कि इन्होंने एक तो लो रीति, लो रक्त नीति की पालना की थी कि खून का बदला खून होगा, और हंसने पर क्या लगा दी थी? रोक। और हंसने पर रोक लगाने की परंपरा आपको पता है क्यों चली थी? क्योंकि बलवन अपने ही साथियों में से एक सुल्तान बना था। अब साथीगण इनको सुल्तान मान नहीं रहे थे, इस बंदे ने हंसने पर क्या लगा दी? रोक लगा दी, और सजदा करके बोले कि मैं आऊं ना पसर जाया करो, कथे मुद्दा पड़ जाया करो, है ना। ये सजदा करने की परंपरा को भी बदल दिया था। इसके बाद जो शासक बने थे, जत्तर सिंह के ऊपर बात करते हैं, तो जत्तर सिंह ने 32 साल तक शासन किया, और 32 साल तक शासन करने के बाद इनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद जत्तर सिंह के पुत्र अमीर चौहान, अमीर देव चौहान ने इनकी याद में 32 खम्भों की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में बने, जहां बैठ करके वो न्याय करता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। अगर आपको कहें 32 खम्भों की छतरी कहें तो रणथंभौर में एक, आपकी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में भी है, आपकी नहीं सॉरी वो जगन्नाथ कच्छ, जगन्नाथ कछावा की है, आपकी कैसे होएगी, जगन्नाथ कछावा की। और 32 खम्भों की छतरी के नाम से या न्याय की छतरी के नाम से प्रसिद्ध जेतर सिंह की परसी छतरी है, और इसका निर्माण जो करवाया था अमीर देव ने करवाया। किसने? अमीर देव। अब